आधे पे सितारे पूरा आसमान, तू ही बताए खाकी कैसे चुनाव तेरा इस्तेमाल। उनका हम यहाँ पर पोर्टमोर में जो है स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी स्कूल में, ये बहुत कम स्कूल्स में है जो ये जो पुलिसिंग का जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है हमारे जो स्कूल को चुना है, ये ऐसे ही नहीं चुना जाता। आप लोगों में वो पोटेंशियल दिखता है, ऐसा लगता है कि आगे आप लोग भी जो है ना इस डिपार्टमेंट में हमारे प्रदेश का और देश का जो है नाम रोशन कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसी को देखते हुए अभी से अगर आप में वो जो फीलिंग्स हैं वो आ जाए, आप देश के लिए कुछ करना चाहें, तो आप जो है कहीं भी किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में इंस्पेक्टर ममता है, देख रहे हैं और भी बीच में आए हैं और ये आपको जो है अवेयर कराएंगे। इनका जो डिपार्टमेंट है, आपकी ये जो यूनिफॉर्म है ना, ऐसे नहीं मिलती। आप लोगों को तो मिल गई, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपना जो है इस कैसे आप ये मेहनत करेंगे इसके लिए जो है आपको ये बता। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और मेरे साथ आए मेरे स्टाफ के कलीग्स और बच्चों, मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर ममता और मैं एज एस एच ओ छोड़ा शिमला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ आजकल। मैम ने मुझे थोड़े दिनों पहले एक फ़ोन किया था कि आपसे मैं इंटरेक्ट करूं थोड़ा बहुत और आपको पुलिसिंग की वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। हर डिपार्टमेंट से पुलिस का लेना देना होता है, जब भी कोई भी इशू होता है तो सब प्रॉब्लम है पुलिस को ही याद करते हैं। इशू मतलब खैर नहीं करते, कोई बात नहीं, पर हम हर जगह किसी को कोई दिक्कत, छोटी दिक्कत बड़ी दिक्कत, तो पुलिस को एकदम से कॉल आ जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम अपने आप को ब्लैक समझते हैं कि हमारे लोग प्रॉब्लम्स में याद करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि पुलिस का सबसे जो मेन है हमारा होता है यूनिफॉर्म से स्टार्ट, जो मैं अपने बच्चों ने पहनी है। ये जो आपका फर्स्ट लेफ्ट साइड को आता है, आपको किसी किसी ने राइट साइड को लगाया है, कोई इसमें बाद में नहीं करना। सबसे हमारा जो होता है कैप, लेनियर, हमारा नेम प्लेट, लोगो, बैग, शूज और सॉक्स, ये सारा पैटर्न का होता है। ये डिसाइडेड होता है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हम आउट ऑफ पैटर्न कुछ भी पहन नहीं सकते, कुछ भी नहीं। जैसे पहन लेते ना उनकी सॉक्स और सॉक्स हम नहीं पहन सकते, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को सबसे पहले प्रॉपर ड्रेस अप होना पड़ता है। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ आगे है तो मैं आपको बता दूं कि ड्रेस ऑफ सेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा ड्रेस ऑफ सेंस अच्छा है तो भी हम किसी से कुछ बात कर सकते हैं। ऐसे ढीली ढाली वर्दी पहन के तो हमारा इम्पैक्ट नहीं जाएगा बंदी के ऊपर, बोले यार क्या ऐसे ही क्या बोल देगा क्या कर देगा कुछ भी नहीं। ड्रेस ऑफ हमारा अच्छा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म से। ठीक है, आपका यूनिफॉर्म है आपको अभी तो अभी ये दिखा रहे आपको। मैं मैडम को भी थैंक्स करूंगी कि आपको बड़े अच्छा शुरू से ये चीज़ आ रही है। हम जब हम आना चाहते थे तो हम आपके ऊपर देख लिया, हम तरसते थे वैसे ही मिल जाए देखने के लिए, वर्दी की खातिर जल्दी जल्दी एंट्री दे दी। अब जैसे आपको पहले ही मिल गई ना, तो आप इसी वर्दी को बड़े अच्छे से पहन सकते। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा हमारे और आप में, खाली आपको एडिशनल चीज़ें नहीं मिल रही है, ये चीज़ें नहीं लगा सकते आप। ठीक है, जैसे लाइक HPP लिखा है ये आप वैसे नहीं पहन सकते, क्रस्ट जो मैंने लगाया आप नहीं लगा सकते, बट आप एक खाकी आपने पहन लिया तो अपने आप में खाकी पहनना ही बहुत बड़ी बात है।
अब हम करेंगे इसको पहनने से स्टार्ट, ठीक है। कभी भी इसको मिक्स नहीं पहनना है, कैप जो पहनना है अभी ना, जो कैप का है जो क्रस्ट है वो यहाँ यहाँ पे यहाँ ये क्रस्ट यहाँ पे मैच करना चाहिए इसके साथ। सभी बच्चे अपना ठीक करेंगे, लेफ्ट आई पे हल्का सा इतना सा गैप छोड़ करके आप इस क्रस्ट को यहाँ पे लगाएंगे अपनी कैप में, आप इसको यहाँ से पकड़ेगे और यहाँ से खींचोगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके इसको एडजस्ट करोगे, ठीक है। जैसे इनका है ये बाकी करते हैं ना, अभी 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 इनको अपने साइज से भी नहीं बना है ये। और सबसे बड़ी बात है जब आप इसको पहनेंगे जो आपकी चोटी है इसको बंद कर दोगे आप बालों को, अभी जचेगा आपको बंद है ना, इसको ऐसे खुला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लाइक ठीक है, ये तुमको पता ही होगा एनसीसी के बच्चे पहने, एनसीसी बच्चे हो गए जो, नहीं तो ये अच्छे नहीं, आप ऐसे अच्छे नहीं लगोगे। जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तो इसको बालों को बंद कर देना और प्रॉपर इसमें भी नेट लगता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो शांति समझते शांति पब्लिक की शांति को भंग कर सकती है, पब्लिक शांति समझते आप है ना, जैसे मान लो किसी को दिक्कत हो सकती है, मान लो दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस लड़ाई झगड़े से अगर किसी तीसरे को दिक्कत हो रही है तो वो लोग शांति बोलते हैं। वैसे लोग तो समझते ना, पब्लिक को बोलते हैं लोग मीन्स लोग, अगर उनको दिक्कत हो तो वो उनकी पीस खराब हो रही है तो इसका मतलब वो लोग शांति भंग कर रहे हैं, तो उस पीस को मेंटेन करने के लिए पुलिस इनिशिएट लेती है उन लोगों को लड़ाई झगड़े, पहले तो वो एक उनको समझाएगी कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, बाय चांस वो लोग मानते नहीं है तो उनके लिए हम एक लीगल एक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट हम एक तलंगा बोलते हैं 107 150 सेक्शन होती है, वो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी ना, भूल जाओगे आप लोग, तो लीगल एक्शन में हम उनको अरेस्ट भी कर देते हैं अगर बाई चांस वो लड़ रहे हैं कहीं, जिससे किसी को दिक्कत हो या किसी की प्रॉपर्टी को या किसी की लाइफ को थ्रेट हो जाए, ऐसे लोगों को हम जेल में डाल देते हैं पुलिस, ठीक है। जेल में डालने के बाद उनको हम कोर्ट तो पता है सबको ना, फिर कोर्ट में पेश करते हैं जजेस के आगे उनको, फिर जजेस या तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और या तो उनको फर्दर जुडिशियल बोलते हैं ना, न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भी। हमारी एनसीसी के लिए सिलेक्शन होती है मैम, अनफॉर्चुनेटली जो छोटे छोटे हाइट की गर्ल्स होती है मैम वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है।